अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद नाज़रीन अकबर को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 15 मिनट में बनकर रेडी होने वाला डिज़र्ट। तो इस डिज़र्ट को बनाना बहुत आसान है, तो आइए हम देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक पैकेट पापा लेंगे, जो हम नॉर्मल चाय के साथ खाते हैं वो पापा, बारीक कटा हुआ बादाम, किशमिश, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ कप दूध लेंगे, चीनी लेंगे, इसे कप से मेज़र करेंगे तो ये 3 से 4 कप होगा, केसर लेंगे, फूड कलर, छोटी इलायची पाउडर, 1/3 कप फ्रेश क्रीम। कॉर्नफ्लोर को हम दूध के अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना हो। सस्पिन के अंदर हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे और चीनी की हाफ क्वांटिटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसका शुगर सिरप बनाएंगे। कार्डमम पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 पिंच फूड कलर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट लगेंगे शुगर सिरप को बनकर रेडी होने में। तो ये हमारा शुगर सिरप बनकर रेडी हो चुका है। एक कांच का बोल लेंगे और इसके अंदर पापा को इस तरह से रखते जाएंगे। तो पहली लेयर हम पापा की लगाएंगे। तैयार शुदा शुगर सिरप को हम पापा के ऊपर कुछ इस तरह से पोर करेंगे, हर साइड में हम अच्छे से पोर करेंगे। एक टी पैन में हम 1 ग्लास के करीब दूध लेंगे और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर कार्डमम पाउडर ऐड करेंगे, केसर के कुछ धागे इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध और कॉर्नफ्लोर का स्लरी को भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक हाथ से हम इसे डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स ना हो। 1 पिंच इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, लगातार चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक ये हल्की सी थिक नहीं हो जाती। स्पून की मदद से हम इसे चेक कर लेंगे ये हल्की सी थिक हुई है या नहीं। स्पून को उलटकर हम उंगलियों की मदद से इसके ऊपर इस तरह से करेंगे तो ये देखिए ये थिक हो चुकी है, इसमें गैप बन रहा है यानी कि ये थिक हो चुकी है। तैयार शुदा मिक्सर को हम पापा के ऊपर कुछ इस तरह से पोर करेंगे। मिक्सर को इसके ऊपर पोर करने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगाएंगे, तो दूसरी लेयर हम फिर से पापा की लगाएंगे। पापा का लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से शुगर सिरप को पोर करेंगे, हर साइड में हम अच्छे से शुगर सिरप को पोर करेंगे। उसके बाद तैयारशुदा मिक्सर को हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे बारीक कटा हुआ बादाम और किशमिश के साथ गार्निश करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे फ्रिज से निकालेंगे और रोज़ पेटल की मदद से हम इसे गार्निश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट्स के अंदर ये हमारा डिज़र्ट बनकर रेडी हो चुका है।
अब इस डिज़र्ट को मैं कट करके दिखा रही हूँ। ये बनने के बाद बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होता है और बहुत ही माउथ मेल्टिंग होता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।